हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी को ऑडिबल विजिबल हूँ मैं. एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे हाँ जी मैम आप ऑडिबल और विजिबल हूँ. एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाए. तो स्टार्ट करते हैं आज का परफेक्शन का सेशन. और क्योंकि आज फ्राइडे है तो इट्स टाइम फॉर अ मॉक टेस्ट. तो आज के सेशन में हम एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम तीन मॉक टेस्ट करेंगे बैक टू बैक. तो पहला मॉक टेस्ट हमने कल की क्लास में किया था. आज हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे SBIPO का और कल की क्लास में हम एक मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे. सो एक्साइटेड हैं सभी लोग? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं. चल तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप चाहते हैं जिंदगी में. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्ट. तो क्योंकि कंप्लीट मॉक टेस्ट है तो हम वही पैटर्न यूज करेंगे, फॉलो करेंगे जो हम एग्जामिनेशंस में फॉलो करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. उसके बाद हम अलग अलग पैटर्न्स करेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स. उसके बाद हम फिलर्स करेंगे अगर फिलर्स होंगे तो. उसके बाद हम क्लोज टेस्ट करेंगे. उसके बाद हम पैराजंबल करेंगे और लास्ट में हम RC करेंगे. So, तीनों के तीनों पैटर्न्स हम करने वाले हैं. एक्साइटेड? स्टार्ट करें. चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पे. तो लेट्स मूव टू ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस एवरीवन. आज मुझे आप सभी के ना 20+ मार्क्स चाहिए. तो क्या सभी लोग मुझे ये कमिट कर सकते हैं कि मैम पूरी कोशिश करेंगे 20+ मार्क्स लाने की? यस. चलो तो डायरेक्शंस पढ़ लीजिए, रीड द डायरेक्शंस. कल वाला पैराजंबल भी करेंगे लास्ट में. पहले अभी पूरा मॉक टेस्ट करते हैं फिर कल वाला पैराजंबल भी करेंगे, डोंट वरी. चलो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम फ्रेज रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. कल हमने एरर डिटेक्शन किया था, आज क्या है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में फ्रेज रिप्लेसमेंट. तो आपको एक फ्रेज दिया हुआ है जो कि गलत हो सकता है, आपको उसको ठीक करना है. चलिए ट्राई करेंगे सभी लोग. 30 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास. She needed to catch the bus. उसको बस पकड़नी थी. So she ran swift down the street. तो वो बहुत तेजी से उस गली में भागी. देखो रैन क्या है, वर्ब है. वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है. तो यहाँ पे स्विफ्ट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, स्विफ्टली आएगा. स्विफ्टली का मीनिंग क्या होता है, वेरी फास्ट. फास्ट जो होता है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है, लेकिन स्विफ्ट एडजेक्टिव होता है और स्विफ्टली क्या होता है, एडवर्ब होता है. सो क्या आएगा, शी हैड रैन नहीं आएगा. Had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ran वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो had run नहीं हो सकता. She had run swift down the street, swift गलत है यहाँ पे. Had ran गलत है यहाँ पे. No replacement ये भी गलत है क्योंकि swift नहीं आ सकता. तो answer is option number C. Fastly जैसा कोई शब्द नहीं होता. एक बार मुझे अपना स्कोर भी बताते हुए चलेंगे. आंसर सही निकल रहा है तो आप +1 कर लेंगे, आंसर गलत निकल रहा है तो आप -0.25. और मुझे एग्जैक्ट स्कोर बताएंगे हर क्वेश्चन के बाद. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से पढ़िए और बताइए. चलिए देखते हैं.
The audience have eagerly anticipated this performance. 120 rules of grammar हमेशा याद रखो. Audience क्या है? Collective noun है. जब collective noun एक ही चीज पे काम कर रहा होता है, मिलजुल के एक ही टारगेट होता है, एक ही चीज पे काम होता है, तो उसके को हम कैसा मानते हैं? हम उसको सिंगुलर मानते हैं. और वर्ब कैसी आती है उसके साथ? सिंगुलर आती है. लेकिन जब कलेक्टिव नाउन डिफरेंट चीजों पे काम करता है, कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम उसको प्लूरल मानते हैं. और वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है. तो अब ये जो ऑडियंस है, इन्होंने इस परफॉर्मेंस को ही एंटिसिपेट किया, मतलब बहुत टाइम से इस परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे. एक ही परफॉर्मेंस की बात हो रही है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसको आप सिंगुलर मानोगे. तो ऑडियंस हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? द ऑडियंस हैज. ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट किया है इस परफॉर्मेंस का, बहुत हफ्तों हफ्तों से इंतजार किया है, और अब मोमेंट ये आ चुका है. तो ऑडियंस आर एंटिसिपेटेड नहीं, हैव बीन नहीं, ऑडियंस को किया नहीं गया है, ऑडियंस ने किया है, मतलब ये एक्टिव वॉइस. तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्टिव वॉइस ही आएगा, क्योंकि जो डूअर है, ऑडियंस एक्शन कर रही है. ये पैसिव वॉइस था, ये भी पैसिव वॉइस था, ये भी पैसिव वॉइस था, तो ये तीनों के तीनों गलत थे. ऑडियंस ने एंटिसिपेट किया है, एक्टिव वॉइस है, बिल्कुल सही है. अच्छा, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ऑडियंस आर टेकिंग द सीट्स. ऑडियंस सीट्स पे बैठ रही है. अब सीट सबकी अलग अलग होगी, तो अलग अलग एंटिटी पे काम हो रहा है, तो हमने क्या लगाया? आर लगाया. क्यों? क्योंकि सीट्स लिखा हुआ था, सबकी अलग अलग सीट थी. लेकिन अगर मैंने लिखा दी ऑडियंस एक ही मूवी देख रही है, तो ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी. मूवी एक ही है जो सब ऑडियंस देख रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? इज लगाया. तो समझ में आ रहा है कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल कब लगता है और सिंगुलर कब लगता है सभी को? चलो स्कोर्स बताते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. The package comprises of, comprise के आगे of नहीं लगाते. कुछ बच्चों को बहुत बचपन से आदत है कि वो comprise के आगे of लगाते. नहीं लगता बेटा, passive voice में लगता है. passive voice में लगता है मतलब is, am, are, was, were लिखा हो, verb की third form हो, comprised लिखा हो, तब of आ जाता है. तो पैसिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ लगता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में कभी भी ऑफ नहीं लगता है. एक और चीज जो बहुत बार एग्जाम्स में आती है, आपको आदत होती है कोप अप विद कर लिखने की, ये भी गलत होता है. कोप अप विद नहीं होता. क्या होता है? कोप विद मीन्स आप किसी चीज के साथ डील कर रहे हो. सिमिलरली डिस्कस अबाउट लिखने की आदत होती है, डिस्कस अबाउट भी गलत होता है. क्या होता है? डिस्कस. आपने क्या किया? डिस्कस किया. अब कुछ लोग की पता है क्या आदत होती है, कंप्राइज ऑफ को गलत होता है, तो उनको पता नहीं ऐसा फील हो जाने लग जाता है कि कंसिस्ट ऑफ गलत होता है, कंपोज ऑफ गलत होता है. कंपोज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ सही होते हैं. सिर्फ कॉन्सेप्ट कंप्राइज का है कि कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं लगाते. तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके गलत हो गए. तो आंसर इज व्हाट? द पैकेज कंप्राइज. पैकेज में बहुत सारे इसेंशियल टूल्स हैं और रिसोर्सेज हैं आगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए. समझ आ रहे हैं सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के ग्रामर वाले पार्ट में बता देंगे. चलो अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे. अगला पार्ट फिर से ग्रामर का पार्ट है, डिफरेंट पैटर्न का पार्ट है, क्योंकि मुझे आपको इन तीनों मॉक टेस्ट में सारे पैटर्न्स करवाने हैं जो जो पॉसिबल है, इसलिए ग्रामर में ही हमने दो अलग अलग पैटर्न्स रखे हैं. अब आपको क्या बताना है? आपको काफी सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है. चलो ट्राई करेंगे सभी लोग. विच सेंटेंस इज करेक्ट? एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, 3500 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट 3500 लाइक्स नहीं है. एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन पहुंच जाए.
यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है. चलो देखते हैं. एज विद ईच आइटरेशंस, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर वन क्या कहता है? ईच के आगे या एवरी के आगे या ईदर के आगे या नीदर के आगे डायरेक्टली नाउन आता है, तो वो नाउन कैसा आता है? वो नाउन हमेशा सिंगुलर आता है. हाँ, और वर्ब भी सिंगुलर आती है, नाउन भी सिंगुलर आता है. हाँ, अगर ऑफ लगा हो बीच में तो प्लूरल नाउन आ जाता है, अदरवाइज सिंगुलर ही आता है. तो आइटरेशंस नहीं होगा, आइटरेशन होगा. आइटरेशन मीन्स बार बार वो साइकिल घूम रही है, बार बार चीज हो रही है. तो इमोशंस बहुत हाई है सपोर्टर्स को लेके. गलत हो गया. फोकसिंग इन, फोकस इन नहीं होता, फोकस ऑन होता है. आप किसी चीज पर फोकस करते हो तो फोकस के साथ इन नहीं, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं. ये भी गलत हो गया. द पैराडॉक्स इज दैट, पैराडॉक्स ये है. पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? दो ऑपोजिट बातें सेम टाइम पे चल रही है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स. पैराडॉक्स ये है कि जो यूएस है वो अब तक का सबसे बड़ा प्रोवाइडर रहा है मिलिट्री सपोर्ट का यूक्रेन को, वॉल्यूम में मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है यूएस ने यूक्रेन को. ये सेंटेंस एकदम सही था. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली सी. स्कोर्स एवरीवन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको करेक्ट वाला फाइंड करना है कि कौन सा वाला करेक्ट है. चल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला. अनदर इन्वेसिव स्पीशीज, जो दूसरी इन्वेसिव स्पीशीज है रोमिंग अराउंड द यूएस, जो यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में घूम रही है, वो कौन है? इज द वाइल्ड बोर. वाइल्ड बोर है विच अनफॉर्चुनेटली, दुख की बात ये है, वाइल्ड बोर सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा. इज अ बिट टू बिग, वो इतनी बड़ी है कि वो आवाज नहीं कर सकती. स्क्विश्ड नहीं, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्क्विश आएगा. तो ए सेंटेंस तो क्या था? गलत था. चलो अगला देखते हैं. ऑल्सो नोन एज फेरल पिग्स, इनको फेरल पिग्स भी बोला जाता है. दे आर नेटिव टू यूरोप एंड एशिया, वो एशिया और यूरोप के रहने वाले हैं. एंड हैव बीन नोन, और उनको जाना जाता है कि वो कितनी हाइट तक बढ़ जाते हैं, वो 3 फीट की हाइट तक बढ़ जाते हैं. चलो सही है, बी में कोई एरर नहीं है. सी वाला ट्राई करते हैं. देयर आर इनफैक्ट, सच्चाई में हंड्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज हैं यूएस में. इन यूएस नहीं आएगा, इन द यूएस आएगा. तो सी भी आपका क्या था? सी भी आपका गलत था. तो कौन सा वाला करेक्ट था? सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट था. आंसर इज ओनली बी. कोई परेशानी? द क्यों लगाया? क्योंकि जितनी भी कंट्रीज होती हैं जो अपनी एब्रीविएटेड फॉर्म्स में होती हैं, जैसे कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, कंप्लीट फॉर्म भी लिख लो, एब्रीविएटेड फॉर्म भी लिख लो, यूके, यूएई, फिर 3 कंट्रीज और होती हैं, कौन कौन सी? नीदरलैंड्स, फिलीपींस. मैं ना फिलीपींस की स्पेलिंग में हमेशा गड़बड़ करती हूँ. इट इज पी एच आई एल आई डबल पी आई एन ई एस. तो फिलीपींस और कौन सी हो गई? मालदीव्स. ये कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं? वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द, जब ये कंट्रीज नाउन की तरह यूज हो रखी होती है. तो आंसर हो गया ओनली बी. स्कोर्स एवरीवन. कोई परेशानी? फिलीपींस, देखो फिलिप फिर पींस, इसको ऐसे याद रखोगे तो हमेशा रहेगा. फिलिप तो एक पी आया, फिर पींस, पींस का दूसरा पी है, तो डबल पी होता है बट एल सिंगल होता है. आगे बढ़े.
हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बिल्कुल सही बात है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कभी कभी हैव के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो सिर्फ बीन लग जाता है, और ये जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का रोल प्ले कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्मार्ट सिंस शी केम हियर, तो शी हैज बीन स्मार्ट, तो ये हैज है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्मार्ट एडजेक्टिव है. तो हैज के साथ अकेला बीन भी आता है, ये भी सही होता है, और हैज के साथ बीन के साथ वी वन प्लस आई एन जी भी सही होता है, और हैज के साथ बीन के साथ वी थ्री भी सही होता है. ये तीनों सही होते हैं, टेंस अलग अलग हो जाते हैं. कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये थे ग्रामर के क्वेश्चंस. अब आ जाते हैं अगले पैटर्न पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न नाउ. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, अब हम ये वाले पैटर्न्स करेंगे. चलो, फ्रेज रीअरेंजमेंट. स्क्विश मीन का, स्क्विश का मीनिंग होता है आवाज करना चलते हुए, उस आवाज को बोलते हैं स्क्विश. कोई भी एक पेयर बनाओ, उस पेयर के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और आंसर बताओ. चलिए देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला. सबसे पहले हमने इसको पढ़ा, अ फ्रस्ट्रेटेड मैकार्थी एडमिटेड, उन्होंने इस बात को एडमिट किया. हिज कलीग्स होम लेटर ऑन थर्सडे, उनके कलीग्स थर्सडे को लेटर. अच्छा, सबसे पहले तो ई से एंडिंग नहीं हो सकती, कॉमा से कभी एंडिंग नहीं हो सकती, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए. चलो, डी से भी एंडिंग नहीं हो सकती, एंड सेंडिंग, किस चीज को सेंड किया, किस चीज को भेजा, एंड सेंडिंग समथिंग, तो डी से भी एंडिंग नहीं हो सकती, ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. चलो अब दो ऑप्शंस बचे हुए, इनको चेक कर लेते हैं. चलो पहले इस वाले को चेक करते हैं. डिफीट बाय एंडिंग, डिफीट से स्टार्टिंग कैसे हो सकती है, डिफीट बाय एंडिंग, डिफीट तो वर्ब है, और अगर ये नाउन की तरफ भी यूज होता तो किसने किसको डिफीट किया, क्या किया, इसका मतलब डी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ये भी एलिमिनेट हो गया. तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी. एक बार इसको चेक करके भी देख लेते हैं. सी ई ए डी बी, फेस्ड विद अनवेवरिंग ऑपोजिशन, उन्होंने बहुत ही अनवेवरिंग मीन्स ना हिलने वाला, ना हिलने वाला ऑपोजिशन उन्होंने फेस किया. कहां से? राइट विंग हाउस फ्रीडम कॉकस से, यहां से उनको ऑपोजिशन मिला. सी ई, फिर ए, एक फ्रस्ट्रेटेड मैकार्थी ने एडमिट की, किस बात को एडमिट किया, डिफीट को एडमिट किया, उन्होंने हार मान ली. कैसे? उन्होंने लेजिस्लेटिव वीक को पहले ही खत्म कर लिया और अपने कलीग्स को घर भेज दिया थर्सडे. बिल्कुल सही है. चलो स्कोर्स बताते हुए चलेंगे सभी लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds अगेन. आर यू एंजॉइंग द मॉक टेस्ट? ऐसे मॉक टेस्ट करने में मजा आ रहा है सभी को, इससे क्या हो रहा है ना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है एग्जाम की. चलो देखते हैं. दैट प्लेजर टेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ इराडिकेशन, इराडिकेशन मीन्स मिटा देना, इज समथिंग यू कांट से, कोई ऐसी चीज है जिसको आप कह नहीं सकते. अ नोक्शियस वेजिटेशन, नोक्शियस मीन्स खतरनाक, खतरनाक प्लांट जो कि जापान का है, एंड साउथ ईस्ट, अच्छा साउथ ईस्ट चाइना, साउथ ईस्ट चाइना, सी ओ डी का पेयर बना लिया, साउथ जो जापान का है और साउथ ईस्ट चाइना का है,
चलो, जो फैल रहा है लगभग 100 सालों से, अबाउट द लेबोरियस प्रोसेस, जो कि बहुत मेहनत वाला प्रोसेस है, ऑफ पुलिंग कुडजू. कुडजू, अच्छा अभी कुडजू क्या है? कुडजू का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक बहुत ही खतरनाक पेड़ है ये. कुडजू क्या है? एक बहुत ही खतरनाक पेड़ है जो जापान और साउथ ईस्ट चाइना का है. तो ई और सी का भी पेयर था, ई और सी का पेयर था, सी और डी का. तो सी और डी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. ई और सी तो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता. तो आंसर इज व्हाट? एक बार इसको चेक कर लेते हैं. जो प्लेजर टेकिंग, जो मजा आता है किस चीज में? इराडिकेशन में, मतलब मिटाने में. वो ऐसी चीज है जिसको आप, यू कांट से, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत इंजॉय करते हो आप इस चीज को. यू कांट से अबाउट, इस बात को आप नहीं कह सकते, जो इतना मेहनत वाला काम होता है कुडजू को हटाने का, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल पेड़ है, जो जापान में और साउथ ईस्ट चाइना का नेटिव है, वहां से आता है, जो बहुत सालों से फैल रहा है. बिल्कुल सही है. अब कुछ बच्चों को पता है, मन में एक क्या कह सकते हैं, एक उन्होंने कॉन्सेप्ट बना लिया है. कॉन्सेप्ट क्या बना लिया है? कि सेंटेंस दैट से स्टार्ट नहीं हो सकता. दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, कि मैं बहुत मेहनती हूं, ये सब कहते हैं, ये सबको पता है, इज नोन टू ऑल. कि मैं बहुत मेहनती हूं, ये सबको पता है. तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. कौन सी बात सबको पता है? कि मैं बहुत मेहनती हूं. तो दैट से सेंटेंस 100% स्टार्ट हो जाता है. जब दैट से स्टार्ट होता है, तो दैट वाली पूरी की पूरी बात जो होती है वो क्या होती है? वो पूरी की पूरी सब्जेक्ट होती है. कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट. ऐसे ही था, दैट प्लेजर टेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ इरेडिकेशन, जो मजा आता है इरेडिकेशन के प्रोसेस में, उसको हटाने में, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आप नहीं कह सकते. चलो आगे बढ़ी, नेक्स्ट. 30 सेकेंड्स अगेन. एक बच्चे का डाउट है, मैम स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग कैसे हो सकती है? हाँ, आप एग्जामिनर को बोलो कि कैपिटल लेटर लिख के दे दो, बाकी को स्मॉल लेटर से लिख दो, तो मुझे तो पता चल जाएगा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है. क्वेश्चन ही क्यों बना रहे हो? स्टार्टिंग स्टेटमेंट को कैपिटल से लिख दो, जो आखिरी स्टेटमेंट है उसमें फुल स्टॉप लगा दो, मिल गया आंसर. अब जैसे टीम ने घोटाला कर दिया, यहां पे आपको फुल स्टॉप लगा के दे दिया, हेल्प कर दिया आप लोगों की. पंचुएशन मार्क्स नहीं आते हैं एग्जाम में, कभी कभी कॉमा आ जाता है, उससे हेल्प मिल जाती है, अदरवाइज फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, ये सब नहीं होते हैं. चलो आंसर बताओ. इसमें तो हेल्प हो गई सबकी. प्रोकेस्टिनेट ऑन असाइनमेंट्स. प्रोकेस्टिनेट का मीनिंग क्या होता है? डिले करना, देरी करनी असाइनमेंट्स में. या एक और वायरल वीडियो देख लो, जो टेम्पटेशन है, जो चाहत है कि काउच पे पड़े रहो, ऑर्डर ग्रीसी टेक आउट, मतलब क्या करो, चीजों से बच जाओ, बिफोर डैशिंग आउट द डोर, दरवाजे से बाहर निकलने से पहले, क्योंकि ऑटो पायलट हो जाता है, अंदर से जो चीजें चल रही होती हैं वो आ जाती हैं. पीपल विद गुड हैबिट्स, जिन लोगों के अंदर अच्छी आदतें होती हैं, उनको रजिस्ट नहीं करना पड़ता है. एलिमिनेटिंग टेम्पटेशन, वो टेम्पटेशन को हटा देते हैं अपनी इक्वेशन से, मतलब वो किसी चीज की तरफ, खराब चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. चलो, किस चीज को रजिस्ट करना है? रजिस्ट करना है टेम्पटेशन को. रजिस्ट एक वर्ब है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे. वर्ब है किस चीज से बचना है, जो अंदर से मन करता है ना कि यार सो जाता हूँ, अंदर से जो मन करता है ना यार चिप्स खा लेता हूँ, अंदर से जो मन करता है ना कि क्लास को छोड़ के बाहर घूमने चला जाता हूँ, इस चीज को रजिस्ट करना है. तो रजिस्ट के आगे क्या आ सकता है? एलिमिनेटिंग V1 के आगे V1+ING नहीं आ सकता. रजिस्ट बिफोर नहीं, रजिस्ट किसी चीज को आएगा, नाउन आएगा. रजिस्ट प्रोकास्टिनेट V1 के आगे फिर से V1 नहीं आ सकता. इसका मतलब रजिस्ट के आगे द टेम्पटेशन ही आ सकता है. इसका मतलब डी और बी का पेयर था, डी और बी का पेयर था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट. चलो, अब इन
दोनों को चेक कर लेते हैं, DBACE को चेक किया। वो लोग जिनके अंदर अच्छी हैबिट्स होती हैं उनको रजिस्ट नहीं करना पड़ता टेम्पटेशन से, उस लालच से कि वो बेड पे पड़े रहें, वहां पे आराम फरमाते रहें, या फिर वो कुछ ऐसा खाना ऑर्डर कर लें, या फिर अपने असाइनमेंट्स को प्रोक्रेस्टिनेट कर लें, डिले कर लें, या फिर एक और वायरल वीडियो देख लें। किससे? बिफोर डैशिंग आउट द डोर, बाहर निकलने से पहले। क्यों? क्योंकि उनका ऑटो पायलट चल जाता है। ऑटो पायलट में उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको क्या कहता है कि टेम्पटेशन को रिमूव कर दो इक्वेशन से, मतलब उनकी जिंदगी में कोई टेम्पटेशन होता ही नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में ऑटो पायलट मोड चालू हो गया है। 8:30 बजे अपने आप, अब तो 8:30 बजे की जगह 9 बजे हो गया है, 9 बजे अपने आप परफेक्शन की क्लास के आगे आगे बैठ जाते हो। इनफैक्ट 8:30 बजे ही आगे आके बैठ जाते हो। सुबह 7 बजे नींद खुलती है, अपने आप एडिटोरियल की क्लास चालू करने का मन कर जाता है। ऐसा मन नहीं करता कि थोड़ी देर और सो लूं या कुछ और कर लूं। तो ये ऑटो पायलट मोड होता है। ऑटो पायलट मोड का मतलब क्या है? जब आप किसी भी चीज को एक आदत बना लेते हो, हैबिट बना लेते हो, तो आपकी बॉडी उसको ऑटो पायलट मोड में चलाने लग जाती है। यस, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्या किया है आज टीम ने? आज बहुत घोटाले किए हैं, आंसर ही दे दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। हाउएवर सेवरल एक्सपर्ट्स रीजन, उन्होंने रीजन किया, लॉजिक दिया दैट दिस कार्बन न्यूट्रलिटी, ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है या नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नेट जीरो। इसका मतलब ए और बी का पेयर है, ए और बी का पेयर है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो ये जो नेट जीरो है, कार्बन न्यूट्रलिटी है, ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? एक सटर फ्यूज है। सटर फ्यूज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक धोखा है। ये एक तरीका है इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन को डिले करने का, कि अभी तुरंत के तुरंत एक्शन ना लेना पड़े। स्पेशली बिकॉज, स्पेशली क्यों? स्पेशली इस वजह से। कारण क्या है इसका? क्योंकि कंट्री जो है अभी ट्रैक पे नहीं है, कंट्री अभी सही डायरेक्शन पे नहीं है कि वो अपने कम एम्बिशियस टारगेट्स को मीट कर सके। नॉट ऑन ट्रैक टू, ट्रैक पे नहीं है मीट करने के लिए। इसका मतलब डी और ई का भी पेयर था, डी और ई का भी पेयर था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। कोई परेशानी किसी को? फुल स्टॉप, घोटाला किया टीम ने इस पूरे पैटर्न में। कोई बात नहीं, समझ में आया ना सभी को कैसे किया हमने? हम 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करेंगे, वी विल डू 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इन दिस मॉक टेस्ट, जिससे कि आप लोग मुझे अपना सही स्कोर बता पाओ। आ जाते हैं अगले पैटर्न पे। तो हमने फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर लिए हैं। इट्स टाइम फॉर मैच द कॉलम्स नाउ। तैयार सभी लोग मैच द कॉलम्स के लिए? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स विद एवरीवन।
चलिए लेट्स ट्राई इट. सबसे पहले हमने ए और एफ को ट्राई किया. दिस प्रॉम्प्टेड, इसने एनकरेज किया, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया जिसमें लोग भागने स्टार्ट हो गए, एंड विथ पीपल फ्लीइंग एंड टेकन. एंड यहाँ पे अगर वी वन प्लस आई एन जी है तो एंड के बाद भी वी वन प्लस आई एन जी आना चाहिए था, बट ये तो वी वन प्लस आई एन जी नहीं है, तो इसका मतलब ए और एफ तो नहीं हो सकता. तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड अवतार, ये वी वन प्लस आई एन जी है, ये नाउन कैसे आ गया भाई? तो ये भी नहीं हो सकता, ए और ई भी नहीं हो सकता. चलो बी और डी तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब बी और डी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सी और ई को ट्राई करते हैं. आफ्टर दिस, इसके बाद ये री इनकारनेट करेगा, ये फिर से एक जन्म देगा ओसिरिस एपेक्स को, मतलब ओसिरिस एपेक्स फिर से चालू हो जाएगा, ये वाला अवतार चालू हो जाएगा जो रेंडेजवस करेगा. रेंडेजवस मीन्स मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? इस एस्ट्रॉइड से मिलेगा वो 2029. बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. स्ट्रैटेजी समझ में आई सभी को? एवरीवन. चलो अगले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, 4000 बच्चे देख रहे हैं बट 4000 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? इफ 4000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग तो 4000 लाइक्स भी होने चाहिए. चलिए ट्राई करते हैं. सबसे पहले ए और एफ को ट्राई किया. हचिनसन्स प्रिंस, वो भागी अपने फादर को मिलने के लिए, वो भागती हैं अपने फादर को मिलने के लिए. जब वो वापस आते हैं, घर आते हैं, रिटर्न्स होम फॉर वर्क, काम के लिए वो घर आते हैं. जंपिंग इनटू हिस, वो तेजी से भाग दौड़ के जाती है, कूद के जाती है उनके ट्रक में, और रेडियो से के साथ साथ गाना गाना स्टार्ट कर देती है. सही बात है, स्प्रिंट्स की भागी, जैसे जैसे वो काम पे आए, काम के पे आए, घर घर पे आए काम के लिए, फिर वो उनके ट्रक पे जंप करी और साथ साथ गाना भी उन्होंने गाया. बिल्कुल सही है ए और एफ. तो चलो ए और एफ हो गया है, तो यहाँ पे बी और डी को ट्राई कर लेते हैं. द नेक्स्ट मेमोरेबल आउटिंग, जो अगली यादगार जो आउटिंग थी उन दोनों के बीच में, इन्वॉल्व उसमें क्या इन्वॉल्व है? अ डिसमेड, डिसमेड मीन्स परेशान. हचिनसन मतलब हचिनसन परेशान है, अपने फादर को देख रही है और उनके फ्रेंड्स को देख रही है कि वो टर्टल्स को शूट कर रहे हैं अपने मजे के लिए. तो वो सभी क्या कर रहे हैं? टर्टल्स को बंदूक से मार रहे हैं सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो उनको बड़ा खराब लगा. चलो ये भी मैच हो गया. सी और ई को ट्राई करते हैं. अ फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट एट हर सेकेंड चॉइस स्कूल, दूसरे स्कूल में हचिनसन, हचिनसन जो कि फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट है, क्विकली फाइंड हर सेल्फ, वो अपने आप को कहाँ पाती है? कि वो रेप कंपनी के लिए इंटर्न कर रही है. ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है, मैच हो गए. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कोई परेशानी? तो पहले हमने यहाँ पे ए एफ को देखा, ए एफ सही था तो हम क्विकली इस ऑप्शन पे आ गए, हमें बाकी ऑप्शंस चेक भी नहीं करने पड़े. हिज और हर साथ में, कहाँ पे बेटा हिज और हर साथ में है? ये हर फादर है, हचिनसन के फादर है तो हचिनसन के लिए यूज हुआ है, और हिज फ्रेंड्स ये उनके फादर के फ्रेंड्स है तो ये फादर के लिए यूज हुआ है. दिस इज यूज फॉर फादर एंड दिस इज यूज फॉर द डॉटर. अच्छा ये समझ में आ रहा था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कॉमा के बाद वी वन प्लस आई एन जी से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आ सकती है नाउन के बाद. क्यों गड़बड़ किया आप लोगों ने? सबका सही होना चाहिए था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्कोर्स नहीं बता रहे हैं आप लोग, स्कोर्स बताते हुए चलिए, मुझे सबके स्कोर्स जानने हैं.
ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने किसको ट्राई किया? सबसे पहले हमने ए और एफ को ट्राई किया। चलिए देखते हैं। बट इन रिसेंट ईयर्स में ही हैज टेकन, उन्होंने बहुत अनऑर्थोडॉक्स पोजिशंस ली हैं, मतलब बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं। कॉमन नाजीज अनऑर्थोडॉक्स पोजिशंस ली हैं उन्होंने। कॉमा नाजी, कॉमा के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को वी वन प्लस आई एन जी से दे सकते हो या वी थ्री से दे सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नाउन से थोड़ी ना दे सकते हो। चलो ए और एफ तो नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी और डी को ट्राई करते हैं। ही अपियर्ड टू लाइकन पैंडमिक, उनको पैंडमिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ही अपियर्ड टू लाइकन पैंडमिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टू मेजर्स दैट। इसकी तो खुद ही ग्रामर गलत है, इसकी ग्रामर तो खुद ही गलत है बी की। बी तो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि वो पैंडेमिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पसंद कर रहे हैं। टू मेजर्स दैट, फिर डी दैट ऑन द एंड ऑफ लास्ट मंथ फॉर द ऑडिबल पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट कैसे आ गया? तो बी और डी तो नहीं हो सकता। एक बार बी और एफ को भी ट्राई कर लेते हैं। टू नाजीज पुट इन प्लेस टू मेजर्स दैट ही अपियर टू लाइकन पैंडमिक। अच्छा हाँ, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, सेंटेंस की बड़ी अजीब सी ग्रामर। एक बार फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। ही अपियर टू लाइकन, अच्छा लाइकन का मतलब यहाँ पे लाइक करना है, लाइकन का मीनिंग है कंपेयर करना। तो ऐसा लग रहा था कि वो कंपेयर कर रहे हैं पैंडमिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, तो जो पैंडमिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसको कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो कंपेयर कर रहे हैं उन कदमों से, उन मेजर्स से कंपेयर कर रहे हैं, वो कदम जो नाजीस ने चलाए थे जब वो पावर में थे जर्मनी में। ओके नहीं सही है बी और एफ। ये लाइकन ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लाइकन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या है? कंपेयर करना। तो ऐसा लग रहा है कि वो पैंडेमिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, पैंडेमिक के टाइम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको कंपेयर कर रहे थे उन कदमों से जो नाजीज ने चालू किए थे जब उनके पास पावर थी जर्मनी में। मैच हो गया। ए और ई को भी ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने बहुत ही रिसेंट ईयर्स में इंक्रीजिंगली अनऑर्थोडॉक्स पोजिशन ली हैं, बहुत मॉडर्न पोजिशन उन्होंने ली हैं। प्रमोटिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रमोट की हैं विदाउट एनी रिलायबल एविडेंस, मतलब बिना किसी सबूत के उन्होंने षड्यंत्र वाली थ्योरीज को क्या किया है? षड्यंत्र वाली थ्योरीज को प्रमोट किया है। सही है बिल्कुल। यहाँ पे कॉमा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आनी थी, ये बी वन प्लस आई एन जी से क्या दी हुई है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आंसर इज वॉट? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई परेशानी? लैंग्वेज टफ है भाई, एस बी आई पी ओ का कर रहे हो तो लैंग्वेज तो टफ होगी ही। बिल्कुल, कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग होता है षड्यंत्र, लाइकन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को कंपेयर करना, अनऑर्थोडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है जो चीज चलती आ रही है, तो अनऑर्थोडॉक्स जो चीज नहीं चलती हुई आ रही, जो चीज नई है, जो चीज ऑर्डिनरी नहीं है उसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स, जो चीज मामूली नहीं है। चल क्या क्या स्कोर्स रहे यहाँ तक इन सारे पैटर्न में? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम लास्ट में करेंगे। अब इट्स टाइम फॉर क्लोज टेस्ट। तैयार है सभी लोग क्लोज टेस्ट के लिए? तो क्लोज टेस्ट का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? स्किमिंग। आप सभी के पास एक मिनट का टाइम है, स्किम करेंगे सभी लोग। मैं अपने आप को जरा हटा लेती हूं यहां से जिससे कि आपको विजिबल हो। चलो ये याद आ रहा होगा आप लोगों को, एडिटोरियल में हमने रीड किया था, इसलिए मैं कहती हूँ एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस जो मिलेंगे, जो आरसीज मिलेंगे, जो क्लोज टेस्ट मिलेंगे, आपको लगेगा सब पढ़ा हुआ है अगर आपको एडिटोरियल की हैबिट है तो। जो लोग कहते हैं इंग्लिश इंप्रूव करनी है नॉवेल्स पढ़ो मूवीज देखो, उनसे क्वेश्चन पूछना कि एग्जाम में क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या पैरा जंबल उन नॉवेल्स से आता है क्या? लैंग्वेज वो पढ़ो जो आती है एग्जाम में, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए मत पढ़ो।
स्किम कर लिया, चलो क्वेश्चंस पर आते हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन, सेप्टेंबर 24 को नासा का जो स्पेसक्राफ्ट था उसने क्या किया? कैप्सूल को गिराया, कैप्सूल को गिराया. पहला है टेकन ऑफ, किसी चीज को टेकन ऑफ का मतलब क्या है? हटा दिया. कैप्सूल को हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया. ड्रॉप्ड ऑफ, गिराया मींस नीचे फेंका. डिसेंडेड. लिफ्टेड ऑफ का मीनिंग होता है ऊपर उठाया, तो कैप्सूल को ऊपर नहीं उठाया, अर्थ के ऊपर नीचे गिराया. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इट देन डिप्लॉयड पैराशूट्स, उसने पैराशूट्स का इस्तेमाल किया और जेंटली बड़े प्यार से उटाहा में लैंड किया, जो कि यूएस में है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स ने इंतजार किया. किस चीज का इंतजार किया? चलो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो सबसे पहला वर्ड है सैलवेज करना. सैलवेज करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को रिकवर कर रहे हो, टू रिकवर समथिंग. तो उसने उसके कॉन्टेंट्स को रिकवर करने की कोशिश करी. चलो रिकैपिचुलेट का तो मीनिंग होता है किसी चीज को याद करना. आप किसी चीज को रिकैपिचुलेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? उस चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो, रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो. टू रिपीट एंड मेमोराइज समथिंग. तो उन्होंने रिपीट किया उसको, कोई सेंस नहीं है. रिट्रीव करना मतलब टू रिकवर करना, कि वो चीज आपको मिल जाए. तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड, जिसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में सेटल इनटू हुआ. सेटल इनटू का मतलब क्या? बस गया उस फॉर्म में, उस फॉर्म में क्या हो गया? आ गया. तो सेटल इनटू मींस एक तरीके से बिकम सेटल्ड, मतलब एक तरीके से अपनी प्रेजेंट फॉर्म में सेटल हो गया. प्रिजर्व का तो मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करना किसी चीज को, किसी चीज को बचाना. तो अपनी प्रेजेंट फॉर्म को उसने बचाया है? नहीं, अपनी प्रेजेंट फॉर्म में वो आया है 10 मिलियन ईयर्स के अंदर. तो नहीं हो सकता. एलिसरेटेड का मीनिंग होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को बिल्कुल साफ साफ एक्सप्लेन करना, उसको क्या बोलते हैं? एलिसरेट करना. तो आंसर इज व्हाट? बिकम सेटल्ड, ओनली ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को टोन की हेल्प से कर सकते हो. ये एक कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड है जिसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कहती हैं कि अपनी प्रेजेंट फॉर्म में बना है और कॉम्पोजिशन में 10 मिलियन साल के अंदर सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद, और इसने सरवाइव किए हैं 4.5 बिलियन ईयर्स नियरली अनडिफाइल्ड. मतलब उसने बिल्कुल बिना किसी बदलाव के 4.5 बिलियन साले बना रहा. तो अनडिफाइल्ड मीन्स इन इट्स प्योर फॉर्म या फिर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म में वो 4.5 साल बना रहा. इंटैक्ट, इंटैक्ट का मीनिंग भी क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में वो 4.5 साल बना रहा. फ्रेगमेंटेड का मीनिंग होता है टूटा टूटा सा. तो टूटा तो नहीं है वो, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बना रहा है. तो आंसर इज बोथ ए एंड
सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पार्ट ऑफ स्पीच से कर सकते हो, यू कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो लेफ्ट ओवर पीसेस हैं ऑफ नाउन होगा तो यहाँ पे नाउन आएगा। डिमोलिश एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को तबाह कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। रेमिनेंट और डेब्रिस, ये दोनों के दोनों नाउन्स होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, जो बचा हुआ टुकड़ा है या जो बची हुई चीज है उसको क्या बोलते हैं, डेब्रिस, रेमिनेंट, जो मलबा है। तो ये जो टुकड़ा है, ये जो पत्थर है, ये क्या बताएगा, हमें बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट स्कोर्स एवरीवन इन क्लोज टेस्ट, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, अभी तक के टोटल स्कोर्स बता देंगे। ये हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है। चलो इट्स टाइम फॉर पैरा जंबल नाउ, और सभी को पैरा जंबल दिख रहा है, 3 मिनट का टाइम है सभी के पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 1.5 मिनट्स फॉर ऑल। चलिए देखते हैं, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा और टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हमको लगा श्रीलंकन फूड जो है बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है सेंट्रल लंदन में, इसीलिए हम चाहते थे वो डिशेस को लेके आना जो हमने खाई हैं बड़े होते हुए, और हमको वो डिशेस मिस कर रहे थे हमको जब हम वहाँ मूव हो गए। शी टेल्स, शी किसके लिए है पता नहीं, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। श्रीलंका जो है इंडिया का छोटा सा नेबर है, सिर्फ 22 मिलियन लोग हैं उसमें, उसका जो फूड है, कल्चर है, बहुत अलग है। स्टार्टिंग हो सकती है, टिक लगाया। जब कोलंबा सबसे पहले ओपन हुआ 2019 में, बहुत सारे डाइनर्स जो वहाँ पे गए सेंट्रल लंदन की इस डिस्ट्रिक्ट में, उनको पता ही नहीं था कि श्रीलंका का फूड कैसा होता है। हो सकता है स्टार्टिंग नहीं समझ आना, एंड नाउ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। और अब एक नया जनरेशन श्रीलंकन शेफ्स का और एंटरप्रेन्योर्स का पूरी दुनिया में वो सारे की सारी स्पॉटलाइट शाइन कर रहा है, किस पे, अपने नेटिव क्विजीन पे, अपने खाने पे, और कंट्री की क्यूलिनरी, फूड की हेरिटेज जो है, फूड की विरासत जो है, उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी एम्ब्रेस कर रहा है, उसको भी अपना रहा है। चलो दे थॉट, उनको लगता था कि वो सिर्फ इंडियन फूड जैसा ही है, ऐसा रेस्टोरेंट के को फाउंडर ने बोला, ऑशी मी वेला ने, हु ग्रू अप इन श्रीलंका, जो श्रीलंका में बड़ी हुई, ऐसा उन्होंने बोला।
चलो, औशी मीवेला ने बोला, उन्होंने ये भी बोला, पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने ई और ए का पेयर बना लिया। किसी को कोई डाउट ई और ए के पेयर में? उन्होंने बोला नाउन हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आता है, तो नाउन और नाउन का प्रोनाउन। चलो, दे थॉट, ये दे भी प्रोनाउन है, तो उससे पहले इसका भी नाउन आएगा। किन लोगों को लगा कि ये इंडियन फूड के जैसा ही है? इसका नाउन ये रहा डाइनर। जो लोग उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उनको ऐसा लगा कि उस रेस्टोरेंट का खाना इंडियन फूड के जैसा ही है, तो ये रहा नाउन और ये रहा इसका प्रोनाउन। सी और ई का पेयर बना लिया। इन दोनों पेयर्स में कोई दिक्कत? सी और ई का पेयर बना, ई और ए का पेयर बना। चलो, कुछ पेयर्स को और निकालने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका इंडिया का लिटिल नेबर है, सिर्फ 22 मिलियन लोग हैं, इसका फूड और इसका कल्चर बिल्कुल अलग है। और अब जो वहाँ के शेफ्स हैं, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब वो अपने खाने के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्पॉटलाइट डाल रहे हैं, मतलब लोगों की जो अटेंशन है वो अपने खाने के ऊपर डाल रहे हैं। बी और डी के पेयर में कोई डाउट? श्रीलंका के खाने की बात हुई और बोला गया कि अब लोग क्या कर रहे हैं वहां के, अब वहां के लोग अपने उसके खाने के ऊपर वहां के स्पॉटलाइट डाल रहे हैं। तो हमारे दो कॉम्बिनेशंस बने, एक हमारा बना सी ई ए और एक हमारा बना बी और डी। अब हमें ये चेक करना है कि सी ई ए पहले आएगा या फिर बी और डी पहले आएगा। चलो ट्राई करो। अब इसमें हम जब भी बात करते हैं, हमेशा हम जनरल बात पहले करते हैं, पर्टिकुलर बात बाद में करते हैं। तो इसका मतलब क्या? ये पूरा पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है? कहने से पूरा पैराग्राफ श्रीलंका के फूड की बात कर रहा है। ये पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है कि श्रीलंका का जो फूड और कल्चर है उसको लेके पूरा का पूरा पैराग्राफ है। ये जो सी है, ये तो एग्जाम्पल है। सी जो है क्या है? एग्जाम्पल है डी का। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? जो लोग कह रहे हैं कि मैम बी और डी लास्ट में आएगा, उन्हीं बच्चों को बता रही हूँ, बी और डी लास्ट में नहीं आएगा, बी और डी स्टार्टिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि सी जो है एग्जाम्पल है। अब सी किसका एग्जाम्पल है? सी आपका बी और डी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि श्रीलंका का फूड सब जगह पहुंचाया जा रहा है, उसी बात का एग्जाम्पल है सी। तो बी और डी में जो स्टेटमेंट दिया गया उसका एग्जाम्पल था सी ई और ए। तो फाइनल सीक्वेंस क्या था? फाइनल सीक्वेंस वाज बी डी सी ई एंड ए। कोई परेशानी किसी को भी? एनी वन एनी प्रॉब्लम? हमेशा याद रखो, जब भी कोई जनरल बात दी हुई है, फिर उसके बाद कोई पर्टिकुलर बात दी गई है, कभी कोई जनरल बात दी हुई है, फिर उसका कोई एग्जाम्पल दिया गया है, हमेशा याद रखो, एग्जाम्पल हो गया, पर्टिकुलर बात हो गई, वो हमेशा बाद में आती है, वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आती है। कोई परेशानी? अब कुछ बच्चों ने पता कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मैं आपको बताती हूँ। कुछ बच्चों के मन में कॉन्सेप्ट ये लगा कि मैं वाइल लिखा हुआ है, वाइल से पैराजंबल स्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि वाइल से पैराजंबल स्टार्ट नहीं हो सकता। पैराजंबल बट से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका पैराजंबल येट से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका पैराजंबल कनेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, सॉरी स्टार्टर से, आपका पैराजंबल उन, इसको क्या बोलेंगे, उन कनेक्टर्स से स्टार्ट नहीं हो सकता जो कि स्टार्टर्स नहीं होते हैं। मतलब वो कनेक्टर्स जो स्टार्टर्स नहीं है, आपका पैराजंबल उनसे स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब बट से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब येट से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब दस से स्टार्ट नहीं हो सकता, हेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता, इनसे स्टार्ट नहीं हो सकता। आपका पैराजंबल वाइल से स्टार्ट हो सकता है, आपका पैराजंबल ऑल्दो से स्टार्ट हो सकता है, आपका पैराजंबल इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट से स्टार्ट हो सकता है, हाँ हाउएवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हाउएवर भी वो कनेक्टर है जो स्टार्टर नहीं है। चलो एक बार फ्लो चार्ट बना ले, फ्लो चार्ट से और क्लियर हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या था? तो एक तो सिंपल सी चीज दी हुई थी, आयुषी नहीं औशी नाम था उनका, औशी, और उनका प्रोनाउन दिया हुआ था शी। फिर डाइनर्स, और उनका प्रोनाउन दिया हुआ था दे। तो ऐसे करके
सीईए का पेयर था, फिर बी और डी का पेयर क्यों बना, श्रीलंका के बारे में बात की गई, श्रीलंका का खाने की बात की गई, और उस खाने को अब क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। तो बी और डी का पेयर था, सीईए एग्जाम्पल था बी और डी का, इसलिए बी और डी आपका पहले आया। फाइनल सीक्वेंस क्या बना, बी डी सी। क्लियर सभी को, इजी था पैरा चंबल। चल, एंटी पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट क्या हो गया सी, फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट आर बी एंड फर्स्ट, फर्स्ट इज बी लास्ट इज ए, दैट मीन्स नन ऑफ दिस। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो गए, फर्स्ट वॉज बी लास्ट वॉज ए, दैट मीन्स बी एंड ए, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज नन ऑफ दिस। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से थे हमारे, हमारा था बी डी सी ई एंड ए, तो तीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से बने, सी ए भी नहीं है, ई ए भी नहीं है, सी ई भी नहीं है, ए बी ई नहीं है, अगेन नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट क्या हुआ, बी डी सी ई एंड ए, दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स आए सभी के, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, लेट्स मूव टू द आरसी नाउ। सारे पैटर्न्स हमने कर लिए हैं, दिख रहा है सभी को पैरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये लॉन्ग आरसी है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कीवर्ड बताएंगे सभी लोग, व्हाट फैक्टर माइट कंट्रीब्यूट टू द हायर इंक्रीज इन अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो इंक्रीज अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलो अगला क्वेश्चन, कीवर्ड मार्क कीजिए, रीजन इंक्रीज एल्कोहल कंजम्पशन। चलो अगला, एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यहीं के यहीं दे दो, आंसर दिस क्वेश्चन हियर इटसेल्फ। पैसेज को पढ़ो, टोन से आइडेंटिफाई करो, गैप बढ़ रहा है या गैप कम हो रहा है। स्टडी दिखाती है कि ये जो गैप है 2018 से लेकर 2020 तक, एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स जो हैं 12.5% पर ईयर हो गई मेन के लिए, बट बाय 14.7% पर ईयर विमेन में इतना हुई। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि गैप बढ़ा या गैप कम हुआ, कोई बात नहीं, जब पैसेज पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि मेन और वुमेन के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी कैसे आप ए आंसर बोल रहे हैं, अभी समझ ही नहीं आया इसको पढ़ के, इस इतनी जल्दी आंसर नहीं देना होता, जब नहीं समझ आया तो जब पैसेज पढ़ेंगे तब समझ आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू वाला बताना है, कोई पैसेज नहीं है, जो बच्चे कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, बेटा ये गैप की बात नहीं हो रही है, एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स इंक्रीज हुई है। इस इंक्रीज, वही वर्ड मैचिंग करने की इतनी आदत होती है ना मैम, इंक्रीज इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, तो इसका मतलब आंसर हो गया वाइडनिंग। आपको कैसे पता गैप बढ़ा या गैप कम हुआ, मेन में 2% इंक्रीज हुआ, विमेन में 2.5% इंक्रीज हुआ, तो कैसे पता चला कि जो गैप था ये कम हुआ या बढ़ा। पहले मेन का 1% था, विमेन का 4% था, उसके बाद मेन का 2% हो गया, विमेन का 4.25% हो गया, तो कैसे पता चला कि गैप कम हुआ या बढ़ा। यहाँ पे 3% का गैप था और यहाँ पे 2.25% का गैप हुआ, ये तो डिक्रीज हो गया गैप, गैप पूछा गया कि गैप बढ़ा या कम हुआ। आपको कैसे पता चला कि गैप बढ़ा है या गैप कम हुआ है, जब पहले वाला दिया गया होगा
नेक्स्ट वाला दिया गया होगा तभी तो बता पाओगे कि गैप में क्या फर्क पड़ा। दिस इज फॉर डेथ्स, डेथ्स इतने से इंक्रीज हुई है, विमेन में डेथ्स इतने से इंक्रीज हुई है। अब इनके बीच में जो गैप है 14.7 माइनस 12.5, ये जो नंबर है और जो पिछला वाला जो नंबर था, अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि गैप बड़ा है या गैप कम हुआ है। क्वांट्स पढ़ते हो आप लोग? चलो अगला क्वेश्चन। ट्रू वाला है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं के यहीं दे दो। वोकैबुलरी, आउटलिव का एंटोनिम बताना है। आउटलिव का मीनिंग होता है ज्यादा जीना। आउटलिव का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा जीना। तो एंटोनिम क्या हुआ? पेरिश का मीनिंग होता है मर जाना। प्री डिसीज मीन्स पहले मर जाना। डाई बिफोर समवन। क्विवर मीन्स शेक करना। आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी। महापापी अवार्ड जाता है बोथ ए एंड बी वाले बच्चों को, आज का महापापी अवार्ड। किसी के बाद मरने का एंटोनिम क्या होगा? किसी से पहले मरना या मरना? आउटलिव का मीनिंग है ज्यादा जीना, मींस किसी के बाद मरना। तो किसी के बाद मरने का एंटोनिम क्या होगा? किसी से पहले मरना या मरना? किसी से पहले मरना, ओनली बी होगा आंसर। क्यों घोटाले कर रहे हो आज? इतना इजी नहीं है आज का पेपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल बताना है। पैसेज को पढ़ने के बाद ही टाइटल बता पाओगे। टोन बतानी है, पैसेज को पढ़ने के बाद ही टोन बता पाओगे। चलो अब स्किमिंग करेंगे पैसेज की। 30 सेकेंड्स का टाइम है, स्किम इट एवरीवन। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। विमेन में अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा क्यों हो रही है? आंसर इज डी। पैसेज में मेंशन्ड था, कहाँ लिखा हुआ था? एल्कोहल जो है विमेन को अलग तरीके से हिट करता है। विमेन की बॉडीज के अंदर लेस फ्लूड होता है एल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए मेन की बॉडी से कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ब्लड में एल्कोहल कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से विमेन जो है डेथ कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो विमेन की बॉडी में ये चीजें होती हैं, इस वजह से विमेन में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आंसर वॉज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। विमेन में एल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा क्यों हो रहा है? चलिए आंसर इज सी, क्योंकि ऐसा लगता है कि रिलैक्स करने का एक वे है अल्कोहल यूज करना। अ टेंडेंसी टू यूज अल्कोहल एज अ वे टू रिलैक्स, कहाँ लिखा हुआ था? फर्स्ट पैसेज में लिखा हुआ था, कहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ ये लिखा, विमेन आर ऑल्सो एट हायर रिस्क फॉर डिप्रेशन एंड एनजाइटी, ऐसा बोला, और इसलिए वो एल्कोहल की तरफ जाती है उस एनजाइटी और डिप्रेशन को कोप करने के लिए। ओल्डर विमेन जो है लोनलीनेस फील करती हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने पार्टनर से ज्यादा जिंदा रहती है, ज्यादा जी जाती हैं, इस वजह से एल्कोहल की तरफ मूवमेंट हो जाता है। तो मतलब रिलैक्स करने के लिए, डिप्रेशन और एनजाइटी से बाहर आने के लिए। तो आंसर इज सोसाइटल प्रेशर, सोशल प्रेशर नहीं है, रिस्की काम कुछ नहीं है, वो बेवरेज ज्यादा पसंद होते हैं जिसमें अल्कोहल ज्यादा होता है, नहीं, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनको फॉलो करना है, नहीं, रिलैक्स करने के लिए, डिप्रेशन और एनजाइटी से बाहर आने के लिए। आंसर इज सी। चार नेक्स्ट, अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स जो हो रही हैं ओल्डर विमेन में, तो स्टडी की ऑब्जर्वेशन क्या है? आंसर बताएंगे। डाइल्यूट मीन्स पानी मिला देना। पैसेज पे फोकस कर लो, भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है। तो विमेन में जो अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स होती हैं वो जो बढ़ती जा रही हैं, तो स्टडी क्या कह रही है उस टॉपिक को लेके? चलो देख लेते हैं स्टडी क्या कह रही है। तो स्टडी ने क्या बोला? स्टडी ने बोला, पीछे दिया हुआ है क्या स्टडी? हाँ, स्टडी ने बोला कि विमेन में रेट्स ज्यादा हो रहे हैं अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स जो हैं, वो विमेन जो 65 ईयर से प्लस की हैं वो बढ़ गई हैं, कंपेयर्ड विद एन इंक्रीज ऑफ 5.2% ईयर फॉर मेन इन द सेम रेस। तो मेन के अंदर जो डेथ्स बड़ी है वो 5.2% से बड़ी है, विमेन के अंदर जो डेथ्स बड़ी है वो 6.7% से बड़ी है। मतलब विमेन की डेथ ज्यादा हो रही है एल्कोहल से एज कंपेयर टू मेन। तो आंसर क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कॉमनली हेल्ड बिलीफ कि विमेन, ऐसा कोई विश्वास तो है ही नहीं कि विमेन एल्कोहल को टॉलरेट कर सकती है। इफेक्टिवनेस कैंपेन्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हाँ, हिस्टोरिकल पैटर्न से अलग है। हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है कि मेन में डेथ्स हो रही है, लेकिन अब उस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, विमेन की डेथ ज्यादा हो रही है। स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की जरूरत है, एल्कोहल कम कंजम्पशन इक्वली हार्मफुल है, नहीं, इक्वली हार्मफुल नहीं है, विमेन के लिए ज्यादा हार्मफुल है। तो आंसर इज व्हाट? सी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने। फिफ्थ, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं?
देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकलते हैं। अच्छा हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, माय मिस्टेक, वो क्वेश्चन रह गया था। गैप क्या होता जा रहा है अब आप बता पाएंगे, गैप क्या हो रहा है? पहले मेन की ज्यादा डेथ होती थी, विमेन की कम डेथ होती थी, अब क्या हो रहा है? पहले गैप बहुत ज्यादा था मेन और विमेन की डेथ्स के बीच में, फिर क्या हुआ, मेन में इंक्रीज हुआ थोड़ा सा। एक बार पढ़ ही लेते हैं और क्लियर हो जाएगा कहाँ लिखा हुआ है, इस पूरे एरिया को अच्छे से पढ़ लो फिर मुझे आंसर देना। पहले क्या था, मोर मेन हैव डाइड फ्रॉम एल्कोहल रिलेटेड इश्यूज, मेन की डेथ ज्यादा हो रही थी विमेन के कंपैरिजन में, तो एक बहुत बड़ा गैप था। फिर क्या हो गया, विमेन की डेथ ज्यादा होने लग गई मेन के कंपैरिजन में, तो गैप क्या हुआ, गैप कम हुआ या गैप बड़ा? पहले जो चीज हो रही थी अब उसका उल्टा होने लग गया, तो पहले जो इतना गैप था अब उसका उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब गैप क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है, राइट। तो गैप बढ़ नहीं रहा, नैरो हो रहा है, टेपर कर रहा है। टेपर और नैरो का मीनिंग क्या होता है, टेपर होता है इस तरीके से, इसका मतलब गैप कम हो रहा है। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं सभी लोग बताएंगे। पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखो, 8 साल के टाइम पे एल्डरली विमेन ज्यादा अफेक्ट हो रही थी मेन के कंपैरिजन में, ये तो ऑथर ने चीख चीख के बोला है कि एल्डरली विमेन ज्यादा कम अफेक्टेड थी मेन के कंपैरिजन में, ये तो ट्रू है, पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के बोला है। चलो बी, जो डेथ रेट है एल्डरली विमेन का एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से वो 14% से ज्यादा बढ़ा है। चलो देखते हैं इस डेटा को, देखते हैं जो डेथ रेट है एल्डरली वेमेन का, तो यहाँ पे तो कोई फिगर्स नहीं दी हुई, यहाँ पे 2012 से 2020 तक जो एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स हैं वो 6.7% बढ़ी है, 6.7% बढ़ी है। और वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था कि 14% से ज्यादा बढ़ गई है, तो ये तो 14% से ज्यादा नहीं है, 6.7% बढ़ी है बेटा एल्डरली वुमेन। अच्छा इसको देख रहे हो, कर रहे हो वर्ड मैचिंग, क्या यहाँ पे ये एल्डरली वुमेन के लिए लिखा हुआ है? मतलब मुझे समझ नहीं आता ये आप लोगों की वर्ड मैचिंग वाली हैबिट को कैसे मैं मिटाऊं, ये सारी वुमेन के लिए है, दिस इज फॉर ऑल वुमेन नॉट फॉर एल्डरली वुमेन। पास्ट क्वेश्चन एल्डरली वुमेन को लेके था, क्या करोगे, फॉल्स है ये। चलो अगला देखते हैं, आकाश ही ऑफलाइन क्लास होती तब मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टनेस दिखाती। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स जो हुई अमंग विमेन आर इंक्रीजिंग मोर देन द मेन, स्पेसिफिकली फॉर ओल्डर वंस, तो इसके हिसाब से जो एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा बताना सी ट्रू है या फॉल्स है, मुझे एक मौका और दो आप लोगों को डांटने का, सी ट्रू है या फॉल्स है? चलो देखते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, स्टडी ने एनालाइज किया डेटा सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के, इतनी 6 लाख डेथ्स का जो अल्कोहल से लिंक्ड थी, इन सब से लिंक्ड थी, 15 सालों में जो अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स हैं वो तेजी से बढ़ गई हैं यूएस में,
और मोर मेन की डेथ हुई है एल्कोहल रिलेटेड कॉजेस की वजह से, लेकिन ये अब केस नहीं रहा है। स्टडी दिखाती है 2018 से लेकर 2020 तक एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो इतनी बढ़ गई हैं मेन के लिए, लेकिन वेमेन के लिए इतनी बढ़ी हैं। स्टडी ने बताया कि जो रेट्स हैं जो बढ़ गए हैं ओल्डर वेमेन में ज़्यादा बढ़ गए हैं। पर्टिकुलर में 2012 से लेकर 20 तक एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स जो हैं इन वेमेन में वो इतनी हो गई हैं। चलो तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, अब क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसके हिसाब से एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स जो हैं विमेन में वो बढ़ रही हैं मेन के कंपैरिजन में फॉर ओल्डर वंस। ये तो ट्रू है, ऑथर ही चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये ट्रू है। ना ट्रू लग रहा है ये तो। ट्रू है, बट एक सेकेंड, एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं कहीं हम कोई घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड। ट्रू है। हाँ एक्चुअली जो टीम है ना उसने किया हुआ है कि ये स्टडी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की नहीं है, तो पीसी की स्टडी है ये। स्टडी ने एनालाइज किया डेटा, यहाँ से इनका डेटा लिया और इस डेटा को एनालाइज किया। एक्चुअली रीजन ना बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। रीजन ये दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, रीजन ये दिया हुआ है कि इसका डेटा यूज हुआ है बस, स्टडी इसकी नहीं है। तो सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का डेटा यूज हुआ है, स्टडी किसी और ने करी है। बट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ था कि डेटा इनका यूज हुआ है। एक नई स्टडी हुई है और उस स्टडी ने सिर्फ डेटा लिया है यहां से, स्टडी इन लोगों की नहीं है। बट डोंट वरी, हाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। चल आगे आ जाते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कांट से, कांट से का मतलब क्या है, ट्रू हम इसको नहीं कह सकते। तो आंसर इज व्हाट, ये फॉल्स था, ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी नहीं था, तो हम ट्रू नहीं कह सकते। तो आंसर वाज ओनली ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर ही लिया। टाइटल बताना है आपको पैसेज का। कौन सा है जो इस पैसेज का टाइटल है? पूरा पैसेज चीख चीख के किस बारे में बात कर रहा है, वही टाइटल हो जाएगा। पूरा पैसेज चीख चीख के बात कर रहा है कि जो विमेन है, जो ओल्डर विमेन है, उनकी डेथ्स ज्यादा हो रही है मेन से। चलो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंप्लीट स्टडी है, नहीं, जेंडर के बेसिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी का? नहीं। क्या क्या ट्रेंड्स हैं? हिस्ट्री के ट्रेंड्स नहीं, अभी तो हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं। एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स अ जेंडर्ड एनालिसिस, अलार्मिंग इंक्रीज एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स अमंग ओल्डर वुमेन आउट फेसिंग मैन। अब ए और बी दोनों लग रहे हैं, लेकिन जब हम ए और बी को ध्यान से पढ़ेंगे तो ए जो है वो ज्यादा अच्छे से चीजों को बता रहा है। बी क्यों नहीं है आंसर? बी इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने जेंडर्ड एनालिसिस नहीं, हमने एज वाइज एनालिसिस भी किया है। तो एज का भी एनालिसिस है और जेंडर का भी एनालिसिस है।
तो इस वजह से बी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि बी सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखा रहा है, बी दूसरा वाला एस्पेक्ट नहीं दिखा रहा, एज वाला, जहां पे हम कह रहे हैं कि जो वुमेन 65 से ऊपर है उनमें ज्यादा चीजें देखी गई हैं, इस वजह से बी आंसर नहीं है। आंसर इज ए, टाइटल हमेशा वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाए। कोई परेशानी किसी को? ये तो आई होप सबका सही निकला होगा। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, टोन बतानी है आपको पैसेज की। पैसेज की टोन कैसे? पहले मुझे बताओ क्या ऑथर ने किसी की बुराई करी है पैसेज में? क्या ऑथर ने किसी की बुराई करी है पैसेज में? डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना। अच्छा, ऑथर ने कोई गेस वर्क किया है? स्पेक्युलेटिव का मीनिंग होता है गेस करना, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ गेस करना, कुछ कुछ थ्योरीज को प्रिडिक्ट करना। क्या ऑथर ने कुछ ऐसा किया है? नहीं। एनालिटिकल ऑथर ने डेटा के बेसिस पे अपना ओपिनियन, अपने स्टेटमेंट्स रखे हैं। बिल्कुल, ऑथर ने डेटा दिया है और डेटा के बेसिस पे बात करी है। इस तरह के टोन को क्या बोलते हैं? इस तरह के टोन को एनालिटिकल बोलते हैं। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, ओनली सी। कोई परेशानी किसी को? स्कोर्स क्या है पूरे मॉक टेस्ट में सभी के? स्कोर्स एवरीवन। अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों के लिए ना फाइल अपलोड कर देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। विजिबल है सभी को? इज द फाइल विजिबल? कल मैंने आप लोगों को पैराजम्बल होमवर्क में दिया था, याद आ रहा है सभी को? कितने लोग इस पैराजम्बल को करके लाए हैं, होमवर्क वाले क्वेश्चन को? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? चलिए डिस्कस करें इस पैराजम्बल को। शैल वी डिस्कस इट? बता दीजिए मुझे क्या लग रहा है आपको, व्हाट विल बी द आंसर एवरी वन? क्या क्या अरेंजमेंट किया? जिन लोगों ने नहीं किया है उनको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अरेंज इट। स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताओ मुझे पहले, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? इट हैज बीन, ही लिखा हुआ है, और फॉर डिनर विद द किड्स स्टार्टिंग नहीं हो सकता। डिफरेंस किस चीज में डिफरेंस भाई? और लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता, येट लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ही लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता। क्या सभी को क्लियर है? ई विल बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। चलो अब हमारा ई स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया है, अब आगे अरेंजमेंट की बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू अरेंज अ फ्यू थिंग्स, कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने रीड किया, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बैठा जा चुका है। ही सेज और फॉर डिनर विद द किड्स, या किड्स के साथ डिनर के लिए। डिफरेंस ये है, वो चीज़ जो दिखाई जाती है और वो चीज़ जो आपके टेबल पे आती है, उस सब में डिफरेंस बहुत अलग अलग है। और कभी कभी एक क्विक स्नैक के लिए, बस भूख लग रही है तो एक क्विक स्नैक के लिए। क्रिस जो है बहुत बड़े बर्गर के फैन है, फिर भी मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार वो अपने आप को कैसा पाते हैं कि वो पिक्चर्स भेज रहे होते हैं अपने डिनर का फ्रेंड्स को और अपने बर्गर लवर्स को, जिससे कि वो हंस सके। ही विल गेट वन ऑन द वे, अगर वो कभी देर हो रही होती है उनको तो वो घर जाते हुए रास्ते में बर्गर उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पढ़ा। अच्छा, गेट वन किस चीज के लिए बात हो रही है? बर्गर की, कि वो इतने बड़े बर्गर फैन है कि वो जब भी घर जाते हैं और देर हो रही होती है तो वो रेस्टोरेंट से जाके बर्गर उठा लेते हैं। तो क्या ई और जी का पेयर क्लियर था? तो कभी भी वो लेट हो रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बर्गर उठा लेते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं वो? या फिर वो डिनर के लिए किड्स के साथ वहां चले जाते हैं, और क्या करते हैं? या कभी कभी क्विक स्नैक में बर्गर खा लेते हैं। तो कभी वो बर्गर को घर ले जाते हैं, कभी वो डिनर में बर्गर खाते हैं, कभी कभी क्विक स्नैक में बर्गर खाते हैं। तो क्या जी बी डी क्लियर था?
जी बी डी में क्या बताया गया था कि वो बर्गर कब कब खाते हैं, वो बर्गर कब कब खाते हैं, वो कहाँ दिया हुआ था, जी बी डी। डी लास्ट में क्यों आया, जस्ट, और कभी कभी, कभी ये और कभी कभी ये, समटाइम्स की वजह से मैं समझ में आया कि डी जो है लास्ट में आएगा। चलो अब क्या क्या बता दिया गया कि वो बर्गर कब कब खाते हैं। अब अगला आगे देखते हैं, तीन स्टेटमेंट्स बचे हैं, एक ए बचा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट लुक्स लाइक, ज्यादातर ऐसा लगता है, इट हैज बीन सैट ऑन, उसको, इट हैज बीन सैट ऑन का मतलब क्या है कि उसके ऊपर आप बैठ गए हो, इट हैज बीन सैट ऑन। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बर्गर बहुत दबा हुआ है, फोटोज में लगता है कि बर्गर कितना फूला फूला सा है, कितना बड़ा ही बढ़िया है, और एक्चुअल में क्या होता है, बर्गर बहुत दबा हुआ आता है कि कोई उसके ऊपर बैठ गया है, ऐसा लगता है बर्गर कभी कभी। तो जो डिफरेंस है एडवर्टीजमेंट में और जो आपकी टेबल पे आता है, इतना बड़ा है, कभी कभी बहुत बार तो ऐसा लगता है कि बर्गर के ऊपर कोई बैठ गया है। क्या सी और ए का पेयर सही था? डिफरेंस बहुत ज्यादा है एडवर्टीजमेंट में और एक्चुअल बर्गर में, ज्यादातर तो बर्गर ऐसा ही लगता है कि बर्गर पिचका हुआ है। चलो सी और ए फिक्स हो गया, अब बस मुझे चेक करना है एफ कहाँ आएगा। एफ के पास दो पोजिशन है, या तो यहां पर पोजिशन है या फिर यहां पर पोजीशन है। अब एफ कहाँ आएगा, एफ हमने पढ़ा, येट मोर देन वंस, फिर भी एक बार से ज्यादा, ही हैज फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, सेंडिंग पिक्चर्स ऑफ हिज डिनर, अपने डिनर की पिक्चर्स भेज रहे होते हैं फ्रेंड्स को या बर्गर लवर्स को, सो दे कैन लाफ ओवर देम, जिससे कि वो जो है उन पिक्चर्स के ऊपर हंस सके। अब ये एफ का लिंक किसके साथ है, पिक्चर्स भेजते हैं, पिक्चर्स की बात यहाँ पे हो रही है कि जो एडवर्टाइज हुआ जो काउंटर पे है बिल्कुल अलग अलग होता है, मतलब वो क्या कर रहे होते हैं, डिनर की पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट की पिक्चर्स और एक्चुअल पिक्चर्स में बहुत फर्क होता है। तो एफ नहीं, लास्ट में नहीं आएगा, एफ एफ लास्ट में नहीं आएगा, एफ यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्रिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि क्रिस क्या करते हैं, बर्गर उठाया, बर्गर की पिक्चर भेजी, उसके बाद डिफरेंस बहुत ज्यादा था एडवर्टीजमेंट में और उसमें, और क्या डिफरेंस था, वो ए में लिखा हुआ है, तो एफ जो है पहले आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस इज व्हाट, फाइनल सीक्वेंस इज ई जी बी डी एफ सी एंड ए। एक बार फ्लो चार्ट से समझते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको फ्लो चार्ट से समझ में आया। ई तो क्लियर था, स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, जी बी डी कैसे समझ में आया, घर ले जाएंगे या फिर बच्चों के साथ डिनर में कर लेंगे या फिर स्नैक में कर लेंगे। जब वो ये तीनों चीजें कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, पिक्चर खींच के भी अपने दोस्तों को भेज देंगे, पिक्चर खींच के दोस्तों को भेजे, तो दोस्तों को क्या पता लगता है कि जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है और जो एक्चुअल का बर्गर है उसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ऐसा लगता है कि बर्गर पे कोई बैठ गया है, मतलब बर्गर इतना पिचका हुआ है। येट क्यों आया, येट इसलिए आया कि वो क्या करते हैं, उस बर्गर का मजाक उड़ाते हैं, मतलब वो बहुत बड़े बर्गर फैन है, वो इतना बर्गर खाते हैं फिर भी वो बर्गर का मजाक उड़ाते हैं। समझ में आ रहा है कि इस येट से पहले सब जगह टोन पॉजिटिव थी, यहां पे टोन नेगेटिव हो गई, और बीच में कौन सा कनेक्टर आया, जब भी पॉजिटिव टोन से नेगेटिव टोन पे जाते हैं बीच में कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना पड़ता है, इसका इसलिए एफ स्टार्टिंग में है, एफ लास्ट में नहीं है, टोन चेंज हो रही है। ई जी बी डी में बर्गर को लेके अच्छी टोन थी, उनका फेवरेट है बर्गर, पूरे टाइम बर्गर खाते हैं, यहां भी बर्गर वहां भी बर्गर, लेकिन बर्गर की फोटो जरूर भेजते हैं जिससे कि दोस्त उसका मजाक उड़ा सके। अब वो मजाक उड़ता क्यों है, वो मजाक इसलिए उड़ता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट में बर्गर की फोटो अलग होती है, एक्चुअल में बर्गर की फोटो अलग होती है, इतना पिचका हुआ बर्गर होता है एक्चुअल में, तो इसलिए बीच में येट आया। समझ में आया, येट लास्ट में क्यों नहीं आया, इस कनेक्टर ने हमें बहुत हेल्प करी, ये भी नेगेटिव टोन थी, ये भी नेगेटिव टोन थी, ये भी नेगेटिव टोन थी, और ये सारी पॉजिटिव टोन्स थी। चल तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, आई होप सभी लोगों ने एंजॉय किया है आज का सेशन। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया ई, फोर्थ स्टेटमेंट क्या था, फोर्थ स्टेटमेंट वाज डी, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट वाज जी, लास्ट स्टेटमेंट क्या था, लास्ट स्टेटमेंट वाज ए, सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या था, सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट वॉज सी।
चलो आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताएंगे एंटी पेनल्टीमेट स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। तो सभी लोग बताएंगे एंटी पेनल्टीमेट स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। जो भी बच्चे सही आंसर देंगे कमेंट में उनको ये बुक भी मिलेगी, सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सभी लोग सही आंसर दें। अब मैं कल के विनर का नाम अनाउंस कर देती हूँ, जिस बच्चे ने कमेंट में सही आंसर दिया था। कल के विनर का नाम है शिवानी शौंडिक 4583। बेटा एक मेल कर देना टीम को कि आप ही ने कमेंट किया था, जिससे कि टीम आपको आपकी बुक पहुंचा सके। परफेक्शन बैच बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक का 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप आज के आज यस ऑफिसर पे प्रीमियम में एनरोल कर लें। yesofficer.com पे भी आपको मिल जाएगा, यस ऑफिसर एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाए 2 अक्टूबर से। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मुझे अपने टोटल स्कोर्स भी बता दीजिएगा, क्या क्या मार्क्स आए आप लोगों के आज के मॉक टेस्ट में।